बोलो गणपति बाबा की जय। तो फ्रेंड पार्ट टू शुरू हो गया है, तो हम रुके हैं, जा रहे हैं इंदौर और रुके हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पे थोड़ा करते हैं लंच, फिर चलते हैं आगे इंदौर की तरफ। फ्रेंड देखो हम बैठे हैं अपने होटल के, खाना खा रहे हैं सब। और ये देखो अच्छा होटल बना रखा है और मंगाया अपना दे, और आगे इंदौर की तरफ जाते हैं। फ्रेंड आ गए हैं, खाना खा लिया सबने, चलते हैं इंदौर, दर्शन करते हैं भगवान के। फ्रेंड फाइनली हम पहुंच गए हैं बड़ा गणेश मंदिर, वहां जाते हैं मत्था टेक के आते हैं। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मार्केट, यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिलते हैं। कोई नहीं है तो रहा, चलते अंदर। और ये मंदिर देखो आप, बड़ा गणेश, इंदौर का बड़ा गणेश मंदिर है। फ्रेंड आ गए हैं, जय गणपति महाराज की जय। गुजराना गणेश बाबा की। फ्रेंड बहुत मजा आ रहा है, इंदौर का बड़ा गणेश, अब भी आना दर्शन करके जरूर जाना यहाँ के। जय की जय गणपति बाबा की। इंदौर के अंदर है हम, गजराना गणेश, बड़ा गणेश, बड़ा गणेश नहीं गजराना गणेश, गजराना गणेश। यहाँ गणेश जी का मंदिर, जय गणपति बाबा मोरिया। जाओ गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। तो फ्रेंड ये पूरा मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम, राम श्री लक्ष्मण दरबार, राम दरबार। जय हो जय हो जय हो श्री माता की जय। यह माँ लक्ष्मी माता की। बाबा के दर्शन कर लिए हमने, बढ़िया थे। की महाराज की जय। मोरिया सिद्धिविनायक, मोरिया मोरिया रे बाबा, मोरिया रे, मोरिया रे बाबा, मोरिया रे, मोरिया रे बाबा। तो फ्रेंड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बाबा बैठे। जय हो बजरंग बली बाबा की। फ्रेंड आ गए हैं बजरंग बली के मंदिर, जय बजरंग बली। तो मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा, ये बाबा की भूत जल रही है। और देखो अंदर जाके दर्शन कराते हैं आपको। बाबा के दर्शन करो, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड चलते हैं ऊपर, बजरंगबली बैठे हैं हमारे छत पे, ये सीढ़ियां बनी है। ये सीढ़ियां बनी हुई है, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये इन्होंने की बुक है, इसमें लिखा जय श्री राम, और इनका ये गधा है, और ये हमारे बाबा बैठे। जय हो बजरंगबली बाबा की जय। तो फ्रेंड जय श्री राम, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, आई होप सो। बजरंगबली की कृपा रहे आपको, आपके भी और हमने हमारे पे भी। तो ऐसे लाइक शेयर कमेंट बनाए रखे। जयकारा वीर बजरंगे हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। पूरी बढ़िया कर गया हूँ, थैंक यू भाई। फ्रेंड ये राम मंदिर बनाकर रंगोली में, और ये देखो जमीन पे, और बजरंगबली वो खड़े। फ्रेंड चलते हैं अब आगे, तो आपको मजा आ रहा होगा मेरी वीडियो देख के। तो फ्रेंड चलते हैं गाड़ी में बैठ के, चलो फ्रेंड चाय के लिए रुके हैं, चाय पी रहे हैं। हम आया अब 7:30 मंदिर पे शनिदेव के। तो फ्रेंड हम लेट हो गए, मंदिर हो गया बंद, चलो अगली बार बाबा बुलाएंगे फिर दर्शन करने आएंगे। देखो नवग्रह शनि मंदिर, यहाँ पे विक्रमादित्य की 7:30 उतरी थी। तो फ्रेंड ये बैठे हमारे बाबा, वो देखो श्री गणेश जी, शनि महाराज, श्री डेढ़िया शनि देव, ये देखो। चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे दर्शन हो गए, जो गलती हो हमसे माफ करना। फ्रेंड पहले तो मैं अकेला गया था देखने, मंदिर बंद था, तो उन्होंने कहा पीछे से कर लो, हम दूर से आए थे। तो मम्मी पापा ने तो कर लिया, मम्मी को लेने आया हूँ, मम्मी बीवी और बहन को, उनको करवा दूँ दर्शन। एंड देखते देखते सारे आ गए, और बिल्कुल खाली पड़ा है, पर पंडित जी हमें साथ दे रहे, बोले यहाँ से कर लो दर्शन। पंडित जी ये रे, ऊपर हनुमान जी हैं, साइड में कौन से है, इधर गणेश जी हैं, ढैया है, ढाई साल लगते ना। हाँ जी, ढाई साल और 7:30 है। तो फ्रेंड दर्शन कर लो आप भी। ये नगरी में राजा विक्रमादित्य आए थे, और उनके आने के बाद में क्या हुआ, घोड़े लेके आए थे, घुड़सवार उनको दिया, उनने बोला कि एक काम करो इसको खरीद लो आप, तो पवन के वेग से उड़ने लगा वो घोड़ा, इतना गजब का उड़ा जिसका जवाब नहीं, नहीं इसी नगरी में जाकर फेंका कि उनको राजा साहब को मालूम नहीं कि कहाँ पड़े अपन, कम से कम उनको 7-8 साल वहीं रहना पड़े, चेली के वह गाना चलाना पड़ा। क्या बोला कि एक काम करो ये घोड़ा ले जाओ, तो राजा विक्रम बैठ गए। उसी समय से सर यहाँ पे उज्जैन में गधे घोड़े का मेला लगता है, तो उनके जो नौकर चाकर है उन्होंने बोला सर घोड़ा इतना गजब का है राजा साहब, आप देख लोगे तो पसंद हो जाओगे।
उनने बोला कि यार चलो तो सवारी करो, सवारी करी उनने, इस हवा के वेग में उड़ा हो कि पता नहीं कि दूसरे राज्य में जाके गिर गए। गिरने के बाद में वो बेहोश हो गए कि मैं कहाँ आ गया है। यहाँ आने के बाद में पता चला उनने कि मैं दूसरे राजा की नगरी में आ गया हूँ। वो शाम हो गया, पूरा दिन सूर्यास्त हो गया। गोदीली बेला के समय का क्या है कि जब गाय और ये ढोर लेके जाते हैं ना गांव में, कैसे धूल उड़ती थी ले जाने के बाद में, उन्होंने सोचा कि यार ये गांव में जा रहे हैं इनके साथ अपन भी चले। तो एक तेली की दुकान पर रुक गए रात में, वहाँ रात में रुके तो उसकी दुकान है नहीं, शाम को मतलब गए 4-5 बजे करीब, तो दुकान ऐसी चलने लगी जिसका जवाब नहीं। उनने घर जाके किसी बच्चे से खबर कहा कि मेरे साथ में एक और व्यक्ति है, मेरी दुकान अच्छी चली तो दो जने खाना बना लेंगे। तो ठीक बना लेंगे। खाना बनाने के बाद में वहाँ खाना दोनों ने साथ में खाया। खाना खाने के बाद में नौ सरे हार वहाँ टंगा हुआ था उसके घर में, वो मोर निगल गया, मोर खा गया। तो उनने बोला कि यार ये हार आप मेरे अलावा कोई दूसरा खा नहीं, ये कौन खा गया? तो राजा के पास में न्याय कराने गए कि सर इसके अलावा दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं, ये हार इसी ने चुराया मेरा। तो राजा साहब बोले कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा मेरे को चोरी कर लेगा, एक काम करो तुम जाओ यहाँ से। तो दीदी ऐसा समय आया जब बारिश होती है ना तो मंगल गाते हैं, मंगल दीप ऐसा गाते हैं ना तो ऑटोमेटिक दीप प्रज्वलित होते हैं। उज्जैन में ये है हरसिद्धि माता, वहाँ हरसिद्धि माता के वहाँ दीप माला लगी हुई। कल गए थे हम, कल गए थे हम। हाँ तो दीप ऑटोमेटिक प्रज्वलित होते हैं। यार ये तो राजा की लड़की समझ गई कि राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई दूसरे से दीप माला गा नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि इससे शादी करूँगा। तो राजा समझा कि नहीं ये क्या मालूम कौन आदमी किसके यहाँ रह रहा है, मेरे शादी नहीं करूँगा। तो उसके हाथ पर कटाक चोरंदा करके फेंक दिया। लड़की ने प्रण कर लिया कि शादी तो इससे करूँगा, भले खुशबू हो जाए। तो चले गए, जाने के बाद में 7:30 ढैया ये उतर गए। उसके बाद में बाबा ने दर्शन दिए और हाथ और पैर सही हो गए। तो लड़की डर जाएगी कि क्योंकि तुम तो हाथ तो पैर थे नहीं, तुम पैर कहाँ से आ गए? तो उन्होंने हाथ तो लगाया ना उठाया कि देखो मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ कि मेरे साथ में राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगरी का वो शनि महाराज ने मेरा आसन दिया था उनको, तो मेरे ऊपर नाराज क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होने के बाद में मेरे सब जो भी है 7:30 ढैये सब उतर चुके और मैं सही साफ हो गया। फिर राजा को मालूम पड़ा जिसको लड़की कुछ लेके गया था ना, उनने बोला कि विधि विधान से शादी करी उनकी। शादी करने के बाद फिर लेके आए, लेके आने के बाद राजा को तो बोला कि मेरे को तो लगे हो आप पर मेरी प्रजा को मत लगे। एंड हम आ गए अपने होटल में। तो मैं अब ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। तो मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मजा आ गया। तो फ्रेंड रात को 12 बजे गरम केसर वाला दूध पी रहे हैं महाकाल की गली में, सामने मंदिर है और ये दूध की मशहूर दुकान है, भीड़ लग रही है 12 बजे और हम पी रहे हैं।